हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, हम यहाँ से, हमने पहले भी एक दो व्लॉग बनाए थे, आप लोगों को प्रेजेंट किया था, तो आज हम फिर सेम उसी जगह पे हैं, मतलब गांव में हैं और उसी खेत पे है जहाँ पे हमने बगीचे के साथ में आपको वीडियो बनाया था। उस टाइम का लुक कुछ और था, इस टाइम का कुछ और है। तो फ्रेंड्स, आप गाँव का नियम आप जानते हैं, गाँव का जो भी रूल होता है, रेगुलेशन होता है, वो सब जानते हैं आप लोग। तो उसी कंटिन्यूशन में कुछ दिन पहले गांव के जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो है अब घास कटाई शुरू कर दी जाए। तो अब घास कटाई शुरू हो गई, उसी के साथ साथ में जो है गेहूँ वगैरह फसल जो भी है वो सब कटाई शुरू होगी। तो इससे पहले जो मैंने आपको व्यू दिखाया था इसी जगह का, इसी खेत का और इसी गांव का, तो क्या ग्रीनरी थी, क्या बिल्कुल फूल वगैरह, हरा घास, हर चीज़ साथ में था। अब एकदम से लुक बदल चुका है। तो अब देखिए, ये सामने कितना गांव गेहूँ था, बहुत तगड़ा सा, आपने देखा होगा, साथ वाले खेत यहाँ पर भी था और इससे लगभग सब जगह थे, ठीक है, ये घास वगैरह बहुत था। तो गांव के नियम के हिसाब से ये सब अब कटिंग हो चुका है, तो आपने देख रहे होंगे लगभग जो थोड़ा बहुत बगीचे हैं वो बचे हुए हैं और जो घास लगाए थे वो बचे हुए हैं, जो खेत में बाद में लगाया था फसल काटने के बाद वो बचे हुए हैं। तो उसी सिलसिले में आया, तो हमने भी अपना जो गेहूँ था, मैंने आपको दिखाया था, वो कट चुका था, कटते हुए दिखाया था, वो हमने सामने आप देख रहे होंगे पन्नी में बांध के रखा हुआ है ताकि जानवर से बचे और बारिश से बचे। तो ठीक है, आज उसी की मतलब पूरे साल का फसल जो हमने गेहूँ का इस खेत के आधे, उसमें छोटे से खेत में आधे में जो गेहूँ लगाया था, वो फसल आज हाथ में आने का दिन है। तो फाइनली जो गांव में हर चीज़ आपको दिखाया था पहले, वो सब खाली हो चुका है लगभग। ये जो बगीचा बचा हुआ है, ये भी लगभग 15-20 दिन बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बात ये है कि अब समर का सीज़न जा चुका है, जाता हुआ है, मतलब उसके बाद विंटर शुरू हो जाएगा, तो विंटर से पहले हर चीज़ हाथ में आना ज़रूरी है। तो जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग होता है, जो गाँव में मेकर होता है, उनके उन्होंने डिसाइड किया कि घास घूस इकट्ठे करके सारे अब अपने उसको ले लें। लगभग अक्टूबर से लगभग यहाँ पे विंटर का शुरू हो जाएगा, तो ग्रीनरी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। यही सितंबर का महीना लगभग है, तो इसमें टोटली क्लोज हो जाएंगे। सर, ये जो आपको पेड़ दिख रहा है, हरा पत्ता दिख रहा है, हरे हरे, ये सारे लगभग अक्टूबर में येलो हो जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा नवंबर तक, तो टोटली ख़त्म हो, बल्कि 15 सितंबर से येलो होना शुरू हो जाएगा, अक्टूबर 15 तक तो टोटली ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने सोचा एक बार ये फिर आपको दिखा दूँ नज़ारा। ये घास काट चुका है, आप देख रहे हो किनारे पे रखे हुए हैं, अब इनको इकट्ठे करके लिया जाएगा घर में, विंटर में जो एनिमल्स वगैरह होता है उनके लिए। तो मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ आपको गांव का नज़ारा। हाँ, आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम लोग अभी परिवार यहाँ पे आ चुके हैं, तो थोड़ा ट्रैक्टर का वेट कर रहे हैं, ट्रैक्टर आता है तो फिर शुरू हो जाएगा अपना गेहूँ निकालना। फ्रेंड्स, तो जैसे कि आपको मालूम है हम खेत पे ही हैं, तो गेहूँ के दाने निकालने के लिए हम आए थे, तो ट्रैक्टर का वेट कर रहे थे, तो जो ट्रैक्टर हमारे इसके लिए आना था तो वो फ़िलहाल नहीं पहुँचा, काफ़ी देर हो गया हमें इंतज़ार वेट करते हुए। ट्रैक्टर वाले का फ़ोन आया है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आया है, तो इस कारण ट्रैक्टर आने में टाइम लगेगा, हो सकता है शाम को ही आ जाए, दिन में ना आए, तो अब ज़्यादा देर तो क्या इंतज़ार करना, चलते हैं घर को वापस, और जैसे ट्रैक्टर ठीक हो जाएगा तो उसका फ़ोन आएगा तो फिर हम आएंगे। तो मैं एक बार फिर आपसे जुड़ूंगा उस टाइम, तब तक थैंक यू। देखिए अपने खेत की तरफ वो ट्रैक्टर आता हुआ, सुबह हम आए थे तो अब शाम हो चुका है, तो मुश्किल से शाम तक ही ठीक हो पाए आप अपने खेत में एंट्री करते हुए ट्रैक्टर का। सामने गेहूँ रखा हुआ और ट्रैक्टर अपने खेत में पहुंच चुका है। यस, तो ट्रैक्टर रेडी हो चुका है, अब देखते हैं कब स्टार्ट होता है। विद इन मिनट्स स्टार्ट हो जाएगा, तो एटलीस्ट इस साल का फसल, गेहूँ का फसल आखिरी स्टेज पे, और अपने फसल अपने हाथ में आने वाला है।
तो इसी पे डिपेंड रहता है, इसी से इस साल का आटा पीसा जाएगा, तो कम अगले साल तक के लिए रोटी का इंतज़ाम। यस फ्रेंड्स, तो स्टार्ट हो चुका है, धूल मिट्टी काफ़ी धूल उड़ रहा है, बट एटलीस्ट स्टार्ट हो गया। दिन का पूरा समय लगा है, सुबह ही ये काम होना था, सुबह ख़त्म भी होना था, तो वो हो नहीं पाया क्योंकि सुबह ट्रैक्टर में कुछ फॉल्ट आ गया था, इस वजह से वो हो नहीं पाया था। अब धूल भी उड़ रहा, तो अब देख रहे होंगे ये आज का शुरू हो चुका है। सब लोग मुंह पे रुमाल दुपट्टा बांध के धूल से बचने की कोशिश करते हुए तो गेहूँ पीसना शुरू हो चुका है, गेहूँ का दाना निकालना शुरू हो चुका है ट्रैक्टर पे। अली भाई फ्रेंड्स, तो काम बहुत जोर शोर से चल रहा है, आप देख रहे होंगे, तो इस साल का आखिरी फसल है, ये गेहूं का फसल है। माउंटेन में तो ऐसे ही होता है, बस एक सीज़न आता है। अभी देखिए, अब ये ख़त्म हो जाएगा तो अगले साल फिर इसी दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा अगले फसल लेने के लिए। लगभग अप्रैल के फर्स्ट वीक में ये बोया जाएगा, बट हाथ में तो इसी दिन आएगा, ये लगभग यही इसी टाइम पर हाथ में आएगा। की कहानी है जो कि अब 21st सेंचुरी है, टोटल बदल चुका है। बहुत पुराने ज़माने में इसको घर पे ले जाके गाय बैल के थ्रू पिसाते थे, तो उनको बांध के उनके पाँव के नीचे कुचल के इसका दाना निकालते थे, और इसको भूसा अलग करने के लिए कम से कम दो दो दिन लगता था, हवा में लहराते रहते थे, तो उस टाइम भूसा अलग। अब नई टेक्नोलॉजी है तो ट्रैक्टर पर ही सब कुछ होता है, पुराने ज़माने में तो इसका मज़ा ही कुछ और होता था, कई कई दिन लगते थे इसको निकालने में। आजकल तो कंपटीशन का दौर है, कोई नहीं देखता है कितना कमाई इनकम है और कितना एक्सपेंडिचर है, तो आज तो चाहे एक घंटे का काम भी है लोग अपने हाथ से करते नहीं है, ज़रा लेबर लगते हैं तो लेबर हायर करते हैं। इसमें क्या है कि कोई नहीं देखता कि कितनी इनकम है और कितना खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। कई कई जगह तो जितने खेत से आता नहीं उससे ज़्यादा मजदूर को देते हैं, लेबर को। तो उस्ताद जी अपना क्लोज करता हुआ ट्रैक्टर थोड़ा आगे लेके जाएगा, क्योंकि नीचे तिरपाल बिछा हुआ है, उसके हिसाब से उसको साफ करना है। जी जी जी, थैंक यू उस्ताद, थैंक यू। चलिए बहुत अच्छा, धूल मिट्टी में अपने ये जवान, इसने बहुत मेहनत किया है, धूल मिट्टी में नहा लिया है। कैसा लगा अली भाई? बहुत बढ़िया, मज़ा आया ना? गुड यार, गुड।